डेली न्यूज़ दुबई की तरफ से सब नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। आप यूई के अंदर आ रहे हैं या यूई के अंदर मुकीम हैं, तो अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है या ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले हैं तो आप जान लें कि ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर ब्लैक पॉइंट हैं तो उनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। ट्रैफिक के ब्लैक पॉइंट को कम करने के लिए क्लासेस लें और ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा जारी करवाएं। गाड़ी चलाने वालों ने ट्रैफिक पॉइंट को कम करने के लिए 799 तलबियती कोर्स किए और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के लिए फिर से अपने ड्राइविंग लाइसेंस वापस हासिल किए। अबूधाबी पुलिस ने जुमरात को कहा कि ड्राइवरों की बड़ी तादाद ने कार सवारों के लिए मुल्तब ट्रैफिक पॉइंट में कमी के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया जो कुछ साल पहले मुतारफ कराया गया था। हकाम के मुताबिक तरबियती स्कीम में 3 तरबियती प्रोग्राम शामिल हैं। पैरा ग्रैंड ड्राइवरों को जिनके पास 8 से 23 ब्लैक पॉइंट्स हैं, जिनकी हर साल 8 पॉइंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कटौती होगी अगर वो कोर्स पास करते हैं। दूसरे प्रोग्राम के तहत वो ड्राइवर जिनके पास 24 से ज़्यादा ब्लैक पॉइंट्स हैं और इनके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए गए हैं वो क्लासेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो मोटर सवार जिनके पास कार जब्ती का हुक्म है वो तीसरे प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। क्लासेस अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू जुबान में हैं। पुलिस के सेक्शन में ट्रैफिक पॉइंट्स के प्रोग्राम के लिए मुसाफा और जफरा के इलाके जैद सिटी में पुलिस फॉलो अप सेक्शन और एलैन में वाकया मराब और कदाम अमालत में मजीद फॉलो अप का इनका किया जाता है। अरखेरी ने नोट किया ये प्रोग्राम ड्राइवरों को मफूर ड्राइविंग ट्रैफिक पॉइंट से निपटने के बारे में तरीम देने, ड्राइविंग लाइसेंस वापस लेने से बचने के लिए इनके मुस्बत तर्ज अमल को बढ़ाने और ख़राब वर्दियों के इल्तिकाब के खतरनाक के बारे में रहनुमाई करने पर तवज्जो मजकूर करता है। ड्राइवरों से कहा गया है कि वो ट्रैफिक के कवानीन व ज़वाबत की पाबंदी करें ताकि वो अपनी गाड़ी की खिलाफ वर्जी करने से गुरेज करें और सड़कों पर हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाएं। UAE शारजा रोड पर खुश किस्मत ड्राइवर बड़े हादसे से बार बार बच गया। गाड़ी को आग लगने से ऐन पहले निकलने में कामयाब हो गया। हादसे के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। अबूधाबी हुकूमत ने आपकी सहूलत के लिए नई बस सर्विस मुतारफ करवा दी। नए उठाए गए इकदाम का मकसद शहरियों को बेहतरीन सहूलियात नए वीकेंड की मुनासबत से फराहम करना है। इसमें 753 अजाफी ट्रिप जुम्मा को बढ़ाए गए जिनके बाद इनकी तादाद 4002 से बढ़ाकर 4775 तक पहुँच चुकी है। सिटी बस नंबर 8 जो कि जैद पोर्ट ता अल बतीन एरिया अबूधाबी सिटी तक चलती थी, इसे अल बतीन मदीना एरिया तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा बनास, अल शामा और मोसा के नेटवर्क में भी मजीद बेहतरी लाई गई। बस नंबर 402, 401, 400 अब अल शामा के इलाके को सर्विस फ्राहम नहीं करेंगी। UAE में अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने से कबल लाजमी PCR टेस्ट करवा लें। हकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया। पेरोटिक PCR टेस्ट वायरस को जल्दी पहचान लेता है और हकाम को कंटैक्ट ट्रेसिंग में मदद देता है। और सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर डेली बेसर पे UAE और गल्फ कंट्री के अंदर आने वाली हर खबर अपडेट दी जाती है।